हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे साथ भारत के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से एक हैं सत्यव्रत कादयान, यहाँ पर आए हुए हैं। पहले का आपको इंटरनल मैटर सभी को पता है, हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है और पहलवान भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें जहाँ से लिया गया। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन, एक खिलाड़ी अधिकतर इस तरह की राजनीति को वो समझ नहीं पाता है और सत्यव्रत अब की बार इस चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट भी किया और लगातार है वो अपील भी की है खापों से समर्थन की और अब की बार दोबारा से एक एनर्जी दोबारा से है वो आंदोलन में देखी जा रही है, अब की बार जाने की कोशिश करते हैं। सत्यव्रत, अब जैसे कि जज्जर रोहतक की बात कर ली जाए, अपने हरियाणा प्रदेश की बात कर ली जाए, सबसे पहले वो एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि पहली बार हर लोग आपके समर्थन में पूरी तरीके से तैयार थे, ऐसी क्या खामियां रह गई, ऐसा क्या धोखा आप तमाम चैंपियंस के साथ हुआ, कहां पे खामी रह गई पहली बार? पहले तो मैं सभी को अपने हरियाणा प्रदेश के और जितने भी आपके दर्शक हैं और भाई हमारे हल्के के लगा लो या हमारे ज़िले के सभी को, पूरे हरियाणा को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा ये भाई कि उस टाइम पे जो होया था, हमारे साथ जो आदमी जुड़ रहे थे उन्होंने कई आना अपनी राजनीति प्यारी थी, पूरे हरियाणा ने बेरा इस बात का कि भाई उन्होंने अपनी राजनीति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो भाई की बार सब में पहले उन आदमियों के लाज बांध रखा है, कोई भी उनके दखल अंदाजी नहीं होगी और उसी कई वे उस प्रकार की जो गलतियां थी उन्हीं की वजह से फिर हमने सारे आदमी आते हैं भाई न्यू कि भाई जो जो कर रहे पूरे आदमी और यूज हुए हैं, न्यू हम भी यूज हुए हैं भाई, ये तो पूरे हरियाणा ने बेरा। तो इस मामले में कोई कौन है कि भाई हम किसी हमारे हरियाणा के किसी एक भी नागरिक तो हम अलग हाँ, हम कट्ठे हाँ भाई। जैसे आप लोग न्यू महसूस करो, देखे भाई हमने उस टाइम पे गलती कर दी तो वैसा ही हम भी महसूस कर रहे हैं, तो उसी वजह से उसी से हमने वो बात हम जीते को ना पर सीखे हाँ, तो वे चीज की बार हमने ध्यान में लेते हुए सभी का मान सम्मान है भाई, क्योंकि ये भारत की देश की बेटियों का जो है सवाल है, जो हमारे हरियाणा की बेटियों का सवाल है भाई, इसीलिए हमने भाई की बार हाथ जोड़कर सबसे निवेदन कराया है कि भाई आज अगर हम अपनी देश की बेटियाँ तो अगर ना खड़े होंगे तो भाई आगे फिर कौन खड़ा होगा। सत्यव्रत, एक जो कमेटी है वो गठित की गई थी, उसमें भी ऐसी बातें आ रही हैं आप लोगों की तरफ से कि सरासर धोखा है उस कमेटी में जो आपने अपनी बात रखी उसमें किया गया, लेकिन योगेश्वर अब से कुछ ही देर पहले योगेश्वर ने फिर कहा है कि मेरे सामने तो कमेटी में ऐसी कोई बातें नहीं हुई। योगेश्वर जो ये भाषा बोल रहे हैं इसको सत्यव्रत कादयान क्या करार देंगे? योगेश्वर तो मानते ही नहीं है कि कमेटी में कुछ भी मतलब गलत है, वो आप लोगों के साथ हुआ था। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कमेटी और सरकार के बीच में जो बातें हुई वो आज तक हमारे को क्यों 3 महीने हो गए क्यों नहीं बताई गई भाई? भाई हमसे ना तो पूछा कुछ, जो हमसे पूछा हमने फैक्ट के साथ कमेटी के सामने भाई बताया है। जब हमारी बेटियां वहां अपनी कहानियां बता रही थी तो कमेटी की महिला मेंबर्स रो रही थी भाई, और उस टाइम पर वो बोल रही थी कि भाई हम आपके साथ, उसके बाद सरकार तो उनकी के बात हुई के ना हुई उसका तो हम भी बता ही नहीं सकते ना, ना तो हमारे तो कुछ बताया गया ना पूछा गया। उसके बाद फिर न्यू और कह दिया कि भाई हमने गलत आरोप लाए, तब जो देश का नाम इतना गति बढ़ाया है भाई, ओलंपिक थी को झूठा पहलवान तो जा नहीं सकता। सीधी सी बात है, जो अपने खेल के लिए ईमानदार रहा है, जो देश के लिए ईमानदार रहा, अपने गुरुवाती अपने माँ बाप के लिए ईमानदार रहा और उनके ऊपर भाई न्यू लाग जाया और वह गलत राजनीति के वे शिकार हो जाए तो उसके बाद भाई घर बैठना भी थोड़ा आना रहता। अच्छा सत्यव्रत, मतलब आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हो मुझे लगता है कि आपकी निजी लड़ाई नहीं है बल्कि ये पूरी कुश्ती को भविष्य को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। देखिए, आप भी चाहते तो आप हैं साक्षी हैं, आप दोनों स्टार हैं और पूरी देश दुनिया में आपको जाना जाता, आप चाहते तो शायद आप भी इस मामले से खुद को अलग रख के, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसी किस बात ने आपको और साक्षी को प्रेरित किया कि नहीं हमें अपनी कुश्ती को बचाना होगा और हमें आने वाले भविष्य के पहलवानों के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी? भाई देखो, ये तो एक संसार का भी नियम है, या भाई हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे बताया कि भाई आप समाज तक या किसी चीज़ तक अगर आपने कुछ मिला है तो कुछ उसने दे कर जाओ। वो हमारे संस्कार हैं, हमारे हरियाणा के संस्कार हैं कि भाई हमने भी हम दोनों ने सोचा कि भाई भाई बदनाम चलो भाई गलत हो गया हमारे तय, लेकिन भाई बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े तानाशाह है, अगर हम लड़न ला गए हाँ तो भाई हमने खतरा भी है या जो, फिर हमने सोचा भाई कुश्ती ने हमारे इतना दिया है तो हम भी कुश्ती तो कुछ देकर जावा, तो कि भाई आने वाली जो हमारी जो बहनें हैं जो बेटियां हैं वो अगर कुश्ती करें और अपनी कोई शिकायत की लेकर जा तो वो सेफ महसूस कर सकें। सब तो जरूरी बात हमारी याद है कि भाई हम कुश्ती तक वापस के देकर जावा।
ब्रजभूषण को बार बार बचाया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा खिलाड़ी क्या मान के चले, क्यों बचाया जा रहा है आखिर उनको? जी देखिए, ये बात तो सरकार को पता होगी भाई, और अब ये मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से भी और इस पूरे देश की जनता से, हरियाणा की जनता से, कि भाई ई भी यो टाइम आ गया देखने का कि भाई जब ओलंपिक में, जब 2016 में लगा लो भाई 10-12 दिन हो गए थे, मेडल नहीं आया था, फिर साक्षी का मेडल आया, तो भाई उस चीज़ की देश ने ज़्यादा ज़रूरत है या भाई ऐसे नेताओं की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है भावना इस देश पर, जिस पर 45-40 मुकदमे हैं और जो भाई महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, तो इस सरकार ने भी और भाई हमारे सब ने, भाईचारे ने भी वो देखना पड़ेगा कि देश ने जरूरत ज़्यादा किसकी है। कल चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा भी आए, तो कितना हौसला मिला उनके आने से आप लोगों को? जी देखिए, उनका तो खिलाड़ियों के लिए हमेशा ही उनका जो है अलग से एक कॉर्नर रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनका हमेशा ही। तो और बात भाई, हम तो हमारा तो वेलकम है भाई, जितने भी हमारे को आशीर्वाद दे के जाओ हैं, जितना भी हमारी लड़ाई में हम ना आगे बढ़ा सके, तो हम तो उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे चाहे कोई भी हो। आप एक इतनी बड़ी मतलब कुश्ती फैमिली से आते हो, आप एक खुद में बतौर एक बहुत बड़े चैंपियन हो, फिर भी सत्यव्रत का अध्ययन काफ़ी साधारण है। देखिए, अब यहाँ पे बैठ के हम आपका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, सभी लोगों से आप खुद मिल रहे हैं, अपने चाचा ताऊओं से, आपकी सिंपलिसिटी की वजह क्या है सत्यव्रत? इतना इतने बड़े चैंपियन होने के बावजूद आप डाउन टू अर्थ हैं बिल्कुल। नहीं भाई, आड़ तो यहाँ तो देख, यहाँ तो हमारे इतने बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी भाइयों खड़े हर, सब तो इम्पोर्टेंट बात ये हो है कि भाई जब आदमी, जब ती अपने रूट्स तय, अगर इच्छा में कितना बड्डा बन जाऊँ, तो भाई साक्षी कितनी बड्डी बन जाए, वो अपना जो स्टार्टिंग में जड़े तो हमने शुरू करा, अगर वो नेचर बदल दिया तो फिर वो इंसान बढ़िया ना होता। आपकी बार आप लोगों की खापे या आपका प्रदेश है वो एक चीज़ चाह रहा है कि एक बार थोड़ा सा आपको देख लेते हैं हम 4-5 दिन, कहीं पिछली बार की तरह ये दोबारा से किसी की बातों में ना आ जाए। आपकी बार पक्का है आर या पार? बिल्कुल 100% पक्का भाई। अब जब तक हमारे बड़े बूढ़े ना कह लेंगे, हमारे बुजुर्ग ना कह लेंगे, जब तक भाई सब हमारे बड़े कोच चीज़ सबकी सहमति जब तक ना हो लेगी, इसकी बार हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आदरणीय अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो परिवार का सपोर्ट तो आपके साथ पूरा है, आपके पिता यहाँ पे मौजूद हैं, परिवार का कैसा, उनका कैसा रिस्पॉन्स है इस मामले को लेकर? भाई पिछली बार तो जो हुआ, तो एक बार तो उनको भी थोड़ा ये हो गया था कि भाई क्या किया भाई, कहीं उनकी भी कई जगह सहमति ना हुई, लेकिन फिर हमने आपस में बात करी, कई जो हमारे बड़े कोचेज हैं उन्होंने आपस में बात करी कि भैया जो लड़ाई ठाई है भाई, हमारा काम है अच्छाई के लिए लड़ना, तो भाई जो रिजल्ट जो होगा ये भी हम हार गए बैठे हैं, थोड़े और कोशिश कर ले। फिर हमने जो है सबको जोड़ना स्टार्ट कराया, और भाई आशीर्वाद है सबका, बड्डा का आशीर्वाद, घरवाला का, पिताजी का आशीर्वाद, इनके बिना तो ताना ना बाजे। मतलब उस तस्वीर ने सबको हिला दिया, आप रात को यहीं फुटपाथ पे सोए हुए थे, उन तस्वीरों ने सबको हिला दिया, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा गांव या ऐसा घर होगा जिसको पता नहीं होगा कुश्ती के बारे में। वो तस्वीरें बड़ा परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, कि आप जैसे चैंपियंस अगर फुटपाथ पे सो रहे हैं तो क्या ये चिंता की बात मानते हैं पूरे देश के लिए? जी चिंता की बात तो चलो ठीक है, वो ऑब्वियस बात है तो है, क्योंकि जो अगर हमारी उसी टाइम पे सुनवाई हो जाती भाई खेल मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे भाई एक महीने के अंदर मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, तो हमने क्यों सुना पड़ता भाई? क्या उनकी परिस्थितियाँ रही भाई? पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स करने वाले जाने, हमारा तो खेल का काम है, हमारा तो हमारी जो बेटियाँ हैं हमारे प्रदेश के, हमारे देश के, हमारा तो उनके इंसाफ के लिए लड़न का काम है। कुश्ती ऐसा खेल है, आप 2-4-5 दिन या एक हफ्ता आप दूर नहीं रह सकते हैं, कुश्ती ऐसा खेल है, और पेरिस ओलंपिक में काफ़ी उम्मीदें थी आपकी बार मेडल के लिए कुश्ती से, तो वो तो पूरी तरीके से शायद माना जाए प्रभावित हो चुकी हैं। नहीं थोड़ा टाइम है अभी उनमें, मैं यही अपील है सरकार से, अगर तुरंत हमारा फैसला कर मतलब कर दे हमारे साथ ना है, तो भाई हम भी अपनी ट्रेनिंग करा, बाकी आज सुबह ट्रेनिंग करी थोड़ी आड़े रोड पकड़नी पड़ी भाई, क्योंकि फिटनेस लेवल अगर ठीक रहा होगा तो आगे हम फिर जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊंगे। यहीं बैठे रहेंगे या इंडिया गेट की तरफ कोई कैंडल मार्च आगे करना पड़े या कुछ ऐसे जाना पड़े कहीं पे, वो कुछ आपने सोचा है या यहीं पे धरना चलता रहेगा? भाई अभी तो कई बार तो ऐसा वो हो जाए, क्योंकि पुलिस की परमिशन नहीं है, कदे हमारे में तय जो 5-7-10 जितने भी पहलवान अडर रहे हैं उन मैं दाद दे रहा हूँ, कभी हमने कोई फ्रेशन अप होने भी जाना पड़े दाद देना छोड़ के जावा, वो तो हमारे बड़े जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि बना पुलिस परमिशन दे रही, कई बार लाइट काट दे है, कई बार आदमियाँ आ कर रोक दे है, तो भाई थोड़ा यू भी डर के दे आड़े तो जावा, क्यों मैं करण इतना पाछे तो आड़े तो ठा दें,
कोई ना, पर हम तो वो जो दुपट्टे का होंगे वो करेंगे, आठ दस ठा होंगे, हम तो चढ़े खड़े होंगे, उठे बैठ जाएंगे भाई। बात करने के लिए शुक्रिया। और आप एक आइडियल भी हैं साक्षी को, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आपके पिता हैं खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप औरों के लिए भी एक रोल मॉडल पेश करते हो, और भविष्य के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो जो लोगों का रिस्पॉन्स एज ए पत्रकार हमने महसूस किया, लोग आपके साथ हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ तो इस बात से थे, और नाराज़गी अपनों से होती भी है, लेकिन आप लोगों की अपील के बाद अब इस बात को सब समझ चुके हैं, और जल्द ही शायद जंतर मंतर पे पहले इतना हुजूम नहीं था जितना आगे देखने को मिलेगा। और आपसे बात करके भी बेहद अच्छा लगा, इतने बड़े रेसलर होने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ है, शुक्रिया। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। सत्यव्रत कादियान थे, और देखिए अपने आप में बेहद हौसला है, ये बातें इनकी देती हैं, शुक्रिया शुक्रिया। और ये पहलवानों की खास बात होती है, वो जूस के लिए पूछ रहे हैं, तो सत्यव्रत ने तमाम बातों पर बिल्कुल बारीकी से गहराई से अपनी बातें रखी हैं, उन बातों को भी बताया है कि आखिरकार पहली बार चूक है कहाँ रह गई थी। जो सत्यव्रत के पिता हैं अर्जुन अवार्डी सत्यवान पहलवान, वो भी आज आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि साक्षी का मोराल कैसा है, इनका मोराल कैसा है, और अब की बार ये मानते हैं उस बात को कि पिछली बार हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति के चक्कर में फंसाया गया, लेकिन उसके बाद है लगातार हरियाणा प्रदेश में सुखबुगाहट वो तेज है। कल जो सत्यव्रत कादियान हैं उनकी खाप भी यहाँ पे आने वाली है, और झज्जर जिले की हरियाणा की जितनी भी तमाम खापें हैं लगातार वहाँ पर पंचायत चल रही है, और एक भारी हुजूम है यहाँ पे देखा जा रहा है। अब की बार अलग से जोश है जो पहले वाले प्रोटेस्ट में देखने को नहीं मिलता था। अब की बार जैसे अभिमन्यु कोहाड़ यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना संबोधन दिया, और अन्य भी जो किसान नेता हैं वो लगातार आ रहे हैं, अंदर जाने की उनकी एंट्री है और माइक से है, वो लगातार बोला जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए दिल्ली की सड़कें अनजान नहीं हैं, कभी महेंद्र सिंह टिकैत है इन्हीं सड़कों से जाते थे, तब भी तानाशाही सरकारें होती थी, कभी चोई देवीलाल भी इन्हीं सड़कों से जाते थे, तब भी तानाशाही सरकार होती थी। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पर दबाव नहीं होगा, दिल्ली पर जरूर है वो दबाव होगा, और लगातार जन समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ेगा, ये एकदम से बढ़ेगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जिस दिन निकलेगा उस दिन शायद जंतर मंतर पर तिल डालने की जगह है, यहाँ पे बचेगी नहीं, और लगातार सुखबुगाहट उस बात की तेज है। शुक्रिया।